ले। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। क्लियर? आपके लिए, आपके समय के अनुसार। तो चलिए, जैसा कि हम क्लास शुरू करने के पहले पीछे का थोड़ा बात करते हैं, तो चलिए हम पीछे की ओर थोड़ा चलते हैं। और पीछे जो हम लोग पढ़े थे, तो कैपेसिटर पढ़े थे, कैपेसिटर पढ़े थे, कंडेंसर पढ़े थे। तो कैपेसिटर क्या होती है? तो कैपेसिटर होती है कि जब आप दो कंडक्टर को स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो वो कैपेसिटर बन जाता है। तो वो करने से होता क्या है कि उसमें चार्ज स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आप देखे थे कि किसी भी कैपेसिटर के लिए क्यू क्या होता है? क्यू वी के प्रोपोर्शनल होता है, क्यू वी के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, सी। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट फार्मूला हमें प्राप्त हुआ था क्यू इज इक्वल टू सी भी, क्यू इज इक्वल टू सी भी। तो फिर हमने सी के बारे में देखा कि कैपेसिटेंस क्या है। तो सबसे सिंपल डिफिनेशन हम ये भी बोला था कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, मतलब संधारित्र का आवेश और संधारित्र के विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। क्लियर? फिर इसका यूनिट आपने देखा था, फेराड होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके छोटे छोटे यूनिट्स भी हम लोग देखे थे, मिली फेराड, माइक्रो फेराड, पिको फेराड, सो ऑन। क्लियर? इसका डायमेंशन भी हम लोग देखे थे कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन, ये सारा चीज़ हम कैलकुलेट किए थे और अच्छी तरीके से आप समझ गए थे। और फाइनली हम देखे थे कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, कि ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि ऑन विच प्रिंसिपल कैपेसिटर वर्क्स, कि किस प्रिंसिपल पर कैपेसिटर वर्क करता है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। क्लियर? तो यहाँ तक हम पढ़े हुए थे और प्रीवियस क्लास में ही हम आपसे बताए थे कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। तो वो भी अगर आपको याद होगा तो हम बात किए थे कि सबसे पहले हम स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो चलिए अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें, थोड़ा लंबा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो यही सोच के हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? तो चलिए, ये सबसे पहला हुआ आपका कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब हुआ कि गोलीय चालक की धारिता। तो चलिए, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है ये हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर कि ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है। क्लियर? ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है और चलिए यहाँ से ये आपका सेंटर हुआ r डिस्टेंस पर। चलिए हम एक पॉइंट पी लेते हैं। बात समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लिए हैं वो मान लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ लिया, तो चलिए मानते हैं कि लेट ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू एट सेंटर। क्लियर? मतलब हुआ कि माना कि आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसके केंद्र पर आवेश कितना है आपका, तो जिसके केंद्र पर आवेश क्यू है। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले एक हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया और मान लिया कि इसका रेडियस आर है और चार्ज कितना है, क्यू है। अब अगर जनरली आप थोड़ा सा अगर ढंग से सोचें तो हमें निकालना क्या है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है।
और जब हम कैपेसिटी निकालेंगे तो कैपेसिटी जब निकालेंगे तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। अब आप गौर से सोचो, यहाँ पर क्यू तो हमने मान लिया, तो क्यू जब हम मान लिया तो मतलब कि हमें क्या निकालना है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, पोटेंशियल निकाल लें तो क्यू बाई वी कर देंगे तो मेरा कैपेसिटेंस निकल जाएगा। क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो Q ऑलरेडी हम मान चुके हैं, मतलब Q ऑलरेडी हमारे पास है, भी कैलकुलेट कर लें और Q बाई भी कर देंगे तो मेरा कैपेसिटेंस निकल जाएगा। क्लियर, कैपेसिटी निकल जाएगा, बात समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ना हम लोग निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। तो चलिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्लियर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, कि ड्यू टू चार्ज, तो ड्यू टू चार्ज क्यू कि मतलब आवेश, कि क्यू आवेश के कारण, तो क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। चलिए कितना होगा, फार्मूला तो आप जानते हो, के क्यू बाय आर। तो ये आपका होगा के क्यू बाय आर, और K को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon 0, इट इज क्यू बाय आर। फ्रेंड्स कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, क्यू बाय वी। तो चलिए ये तो Q हो गया, और देखें वी इज इक्वल टू कितना निकला आपको, तो वी इज इक्वल टू निकला है क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर, सो ना देखें ये आपका Q और Q कैंसिल होगा और बच क्या रहा है, 4 pi epsilon 0 r। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर आपको कितना निकला, 4 pi epsilon 0 r। क्लियर, बाकी 4 pi epsilon 0 का वैल्यू आप जानते हो, 4 pi epsilon 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 4 pi epsilon 0 का वैल्यू होगा कितना, 1/4 pi epsilon 0 इज इक्वल टू 9×10⁻¹। तो ये आपको निकल जाएगा 4 pi epsilon 0। तो 4 pi epsilon 0 का वैल्यू होगा 1/9×10⁻¹, कि 1/9×10⁻¹। के लिए बात समझ गए होंगे कि k इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0, कि जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं ना, k इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0, ये कितना होता है, ये आपका होता है 9×10⁻¹। क्लियर, और यहाँ से अगर आप 4 pi epsilon 0 निकालें तो ये आपका हो जाएगा 1/9×10⁻¹। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका इस तरीके से निकल जाता है। अगर यूनिट का बात करें तो आप देखें इसका के का यूनिट क्या होता था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर, और जब आप 4 pi epsilon 0 को लेंगे तो ये आपका नीचे आ जाएगा, और इसका वैल्यू आपको क्या निकल जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, और दूसरा चीज, तो ये भी तो आपका फिक्स क्वांटिटी है, मतलब कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सी क्या है, कि सी प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है, बाकी और दूसरे किसी भी क्वांटिटी पर ये डिपेंड नहीं करती है। क्लियर, तो ये था आपका स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालना। क्लियर, तो चलिए इसे भी आप राइट कर लें क्विक। चलिए फिनिश रब करें। जैसे इसमें आपको एक छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कि जैसे आप देखें, अगर आपको कहता है कि कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ अर्थ एज्यूमिंग अर्थ एज ए स्फेरिकल कंडक्टर, कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6000 किलोमीटर। क्लियर, तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है, कहता है कि अर्थ की
अर्थ का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की क्षमता या धारिता, या धारिता ज्ञात करें। ज्ञात करें जब जब हम पृथ्वी को 6000 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक, एक गोलीय चालक मान लें। क्लियर? तो चलिए, इसको आप आर त्रिज्या का एक स्फेरिकल कंडक्टर मानिए और उसके बाद आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, आपको रेडियस दिया हुआ है और रेडियस कितना दिया, 6000 किलोमीटर। तो 6000 किलोमीटर हुआ तो इसे आप लिख सकते हैं, दिस इज 6000 इंटू 1000 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगेन ये आपको निकल गया, दिस इज 6 × 10⁶ मीटर। अगर आप सी निकालें तो सी बराबर कितना होता है कि 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर, वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपका होगा 1/9 × 10⁹ और ये आपका हो जाएगा 6 × 10⁶। प्लीज सॉल्व। तो ये आपको निकल गया 6/9 × ये ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस, माइनस 9 + 6 = 3। तो ये आपको निकला इतना फेराड, और 2/3 × 10⁻³ फेराड। बाकी पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.67। क्लियर? तो इस तरीके से आप मिली फेराड भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्रॉब्लम बन जाता है। तो चलिए प्लीज इसको भी आप राइट करें। चलिए कंप्लीट। तो चलिए रब करते हैं। चलिए इसको हटाइए, रब कीजिए। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कि यहाँ पर हमें किस किस टाइप्स के कैपेसिटर को पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार। तो ये आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का मतलब संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र के प्रकार, सबसे पहला इसमें प्रकार होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है समानांतर पट संधारित्र। क्लियर? नाउ देखें दूसरा, तो दूसरा आपका होगा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं गोलीय संधारित्र। और तीसरा आपका होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बेलनाकार। बेलनाकार संधारित्र के लिए। तो इस तरीके से ये तीन प्रकार का आपका कैपेसिटर होता है। तो सबसे पहला आपका हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समानांतर पट संधारित्र, दूसरा हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर गोलीय संधारित्र, और तीसरा हुआ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बेलनाकार संधारित्र। लेकिन इस तीनों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एनीवे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैपेसिटर भी कौन सा है, तो ये आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? तो चलिए अब हम विस्तार से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और उसके कैपेसिटेंस क्या होंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट को कैपेसिटर को हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर पट संधारित्र। क्लियर?
तो इसमें कहता है कि अगर आपका किसी भी कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं, दो प्लेट होते हैं, और अगर दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है तो उसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो चलिए बहुत सिंपल डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं कि व्हेन बोथ प्लेट्स, कि व्हेन बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कि बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर पैरेलल पैरेलल टू ईच अदर, बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? तो ये वह कहता है जब संधारित्र का दोनों प्लेट, कि जब संधारित्र का दोनों प्लेट एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसे समानांतर पट संधारित्र, समानांतर पट संधारित्र कहते हैं। समानांतर पट संधारित्र कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो ना देखिए इस कैपेसिटेंस के, अब हम इसके कैपेसिटेंस का कैलकुलेट करेंगे कि इसका कैपेसिटेंस होता कितना है। क्लियर? तो ना देखें उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दो प्लेट लेंगे। तो चलिए ये आपका एक प्लेट हुआ, ये आपका दूसरा प्लेट हुआ। क्लियर? चलिए पहले प्लेट को हम क्या करते हैं, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किए। क्लियर? ना देखें इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण, तो इस इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। अगेन क्या होगा, अगेन इंडक्शन के कारण यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, और फाइनली इसे क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, जिससे आपका ये एक पॉजिटिव प्लेट बन गया और ये क्या बना, नेगेटिव प्लेट बन गया। इस चीज़ को इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में हम अच्छी तरीके से पढ़े थे। क्लियर फ्रेंड? अब आप यहाँ पर सोचो, और यहाँ पर बीच में मीडियम कौन सा है, तो बीच में मीडियम आपका है एयर और वैक्यूम। क्लियर? तो एक चीज़ तो हम लोग समझ रहे होंगे कि जब आपका दो प्लेट आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, कि एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरा नेगेटिव प्लेट है, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। और चलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कितना मान लिया, ई नॉट मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आरोपित विद्युत क्षेत्र। क्लियर? इसमें दोनों प्लेट, तो दोनों प्लेट का एरिया हम ए ले रहे हैं, और ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। क्लियर? इतना अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमने दो प्लेट लिया, पहले प्लेट को हमने चार्ज सप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण इसके अंदर वाले सतह पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, पुनः इसके बाहर सतह पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। क्लियर? अब ये जो ही आप इसे अर्थ किए, तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट बना और ये नेगेटिव प्लेट बना, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। फ्रेंड्स, तो चलिए सारे चीज को पहले आप मान लीजिए कि लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब माना कि एक समानांतर पट, तो समानांतर पट संधारित्र है। क्लियर? यहाँ पर चलिए क्यू को मानते हैं, क्यू क्या है, क्यू आपका हो गया चार्ज ऑफ कैपेसिटर, आपने कितना चार्ज दिया, तो क्यू
मतलब संधारित्र का आवेश। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका हो गया जैसे कि चार्ज और कैपेसिटर, क्लियर। तो जब आप चार्ज मान लिया और भी सारा चीज आप मान लीजिए, और भी क्या क्या हम लोग माने हैं, तो डी, तो डी क्या आपका, डी है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स का मतलब हुआ कि प्लेट्स के बीच की दूरी, कि प्लेट्स के बीच की, प्लेट्स के बीच की दूरी, क्लियर ना। यहाँ पर ए, ए क्या है आपका, एरिया, कि एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट मतलब प्रत्येक प्लेट का, प्रत्येक प्लेट का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्लियर। और नेक्स्ट चलिए ई नॉट, ई नॉट क्या है, तो ई नॉट आपका है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, तो आरोपित, आरोपित विद्युत क्षेत्र, क्लियर। तो ये आपका हो गया आरोपित विद्युत क्षेत्र, फिनिश, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी को अगर आप माने तो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के बीच का, कि प्लेट्स के बीच का विभवांतर, कि प्लेट्स के बीच का विभवांतर, क्लियर फिनिश। तो चलिए इतने चीज़ को हम लोग मान लिए, इतने सब्सटेंस, इतने राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को हम मान लिए, ये सारे क्या क्या हैं, क्लियर। तो नाव देखें कि नाव, अब हम इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन तैयार करेंगे कि इसका डेरिवेशन होगा क्या, क्लियर। तो चलिए आप लोग एक चीज़ पढ़े हैं और अच्छी तरीके से ध्यान दिए हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। बेसिकली ये चीज़ आप समझ गए कि यहाँ भी आपको सी निकालना है, और सी इजकल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, तो क्यू तो ऑलरेडी आपने मान लिया, निकालना क्या है, तो इस दोनों प्लेट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों प्लेट के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें दो प्लेट के बीच आप पोटेंशियल, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव प्लेट था, दूसरा नेगेटिव प्लेट था, मतलब इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी, इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी, बराबर और विपरीत आवेश घनत्व, तो उसके लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो चलिए यहां पर भी निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स के, प्लेट्स के, प्लेट्स के बीच विद्युत क्षेत्र कितना, विद्युत क्षेत्र होगा, चलिए ई नॉट, और ई नॉट का वैल्यू क्या होगा, अगर आपको याद हो तो ये आपने निकाला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू, क्यू बाय ए, तो सिग्मा इज इक्वल टू आपको हो गया क्यू बाय ए, इसे पुट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, क्लियर। तो चलिए प्लीज यहां तक आप राइट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर कंप्लीट, तो ऊपर थोड़ा हम रब करते हैं, तो देखिए हम यहां तक आपका रब कर रहे हैं, चलिए हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। और इसके बाद आपने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन वी एंड ई, रिलेशन बिटवीन वी एंड ई, ई और वी में संबंध, तो ई और वी में क्या संबंध होता है आप जानते हो, वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू आर, ई इंटू आर। अब यहाँ पर आर देखो तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी, तो दोनों प्लेट के बीच का जब डिस्टेंस डी है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं,
तो डायरेक्ट चलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेन, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेस, मतलब प्लेस के बीच का, कि प्लेस के बीच का विभवांतर। जब आप प्लेस के बीच का विभवांतर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी, ई का मतलब ई नॉट इंटू डी, और ई नॉट का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, ई नॉट का वैल्यू कितना है, तो ये आपका होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए आई इंटू डी, तो ये आपको भी निकल गया। और जब आपने भी निकाल लिया तो देयरफॉर सी आप इजीली निकाल सकते हैं, सी इजकल टू क्या होता है, क्यू बाय भी, तो ये आपका होगा क्यू, और बाय कितना निकल गया, क्यू इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाती है और आपको सी इजकल टू बच जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपको निकल गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, फिनिश, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप गौर से सोचो कि ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका क्या है एप्सिलॉन नॉट, नेचर ऑफ मीडियम, तो यहां पर मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, क्लियर। ए एरिया ऑफ प्लेट और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो यही तो हम लोग लिखे थे, कि पीछे हम लोग लिखे थे कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मीडियम, एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी, क्लियर। तो ये आपका निकला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ओके, क्लियर यहां तक ना। चलो इसके बाद ये जो आपने निकाला, तो ये जो वैल्यू निकाला तो कहां पर निकाला आपने, इन एयर और वैक्यूम, कहने का मतलब हुआ हवा या निर्वात में, तो हवा या निर्वात में आपका कैपेसिटेंस कितना होता है, तो चलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं सी ए, और सी ए बराबर आपको निकल गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, फिनिश। नाउ देखो यहां पर अगर हम इसी चीज को दूसरा मीडियम में, तो दूसरा मीडियम में अगर कैलकुलेट करें तो माध्यम में, चलिए माध्यम में कितना हो जाएगा, तो ये देखें माध्यम में आप जानते हो कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन बन जाता है, तो ये निकल गया एप्सिलॉन ए बाय डी, एप्सिलॉन ए बाय डी, क्लियर ना। तो जब ये एप्सिलॉन हुआ और एप्सिलॉन बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए बाय डी, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, ये आपका यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर आपका होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्लियर, फिनिश। ना आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, क्लियर, तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा फिगर को हम रब कर रहे हैं, फिगर आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, चलिए हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये देखें ये आपका हो गया मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम बाय क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इन एयर, इट बिकम्स इक्वल टू, चलिए दोनों लिख दीजिए आप, तो जब आप दोनों को लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका हुआ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बाय डी, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आपका होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी सी ए, देखें आप यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए कैंसिल, डी कैंसिल, आपके पास बचा क्या, इट इज एप्सिलॉन आर, क्लियर। तो इससे आपको एक फार्मूला और निकल गया कि ये आपको हो जाता है एप्सिलॉन आर इंटू सी ए, कि यदि हमें ये बोला जाए कि नहीं किसी भी कैपेसिटर का एयर में कैपेसिटेंस इतना है, अगर मान लो सपोज दैट फाइव माइक्रोफेराड है, तो अगर 5 माइक्रोफेराड है और इसे हम दूसरे मीडियम में डाल देते हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 4 है, तो मीडियम में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4 × 5 20 माइक्रोफेराड, क्लियर। और इस एप्सिलॉन आर को के भी कहते हैं,
तो के इंटू सी ए, के इंटू सी ए, यहाँ पर ये के कौन सा है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर। तो प्रावैद्युत स्थिरांक, तो चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, तो प्लीज़ आप इसे राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्लियर, तो चलिए रब करें इसको, चलिए रब कीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके फिनिश ना। चलिए ये हुआ कि ये जो आपने अभी डेरिवेशन निकाला, एक्सप्रेशन प्राप्त किया, किसका एक्सप्रेशन था, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर, मतलब हवा या निर्वात में समानांतर पट संधारित्र की धारिता। तो हवा या निर्वात में समानांतर पट संधारित्र की धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और जब आप इसे मीडियम में निकालते हैं तो मीडियम में क्या बन जाती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए बाय डी, क्लियर। और दोनों का आपने रेशियो निकाला तो आप क्या देख रहे हो कि सी एम मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम, तो कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या हो जाती है, वो आपका के टाइम्स बढ़ जाता है, एब्सेंस आर टाइम्स बढ़ जाता है, क्लियर। तो चलिए यहाँ तक हम देखें ना, हम लोग देखते हैं कि विथ डाइलेक्ट्रिक, कि जब हम दो प्लेट के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं तो क्या होता है, क्लियर। तो चलिए हेडिंग लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ, कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक, क्लियर। तो ये आपका हो गया डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत रोधी, मतलब विद्युत रोधी के साथ, कि विद्युत रोधी के साथ समानांतर पट संधारित्र की धारिता। तो कोई भी आपका डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक के साथ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, चलिए शुरू करते हैं ना। देखें सबसे पहले हम लोग ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दें, तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, क्या क्या करते थे, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर अपने चार्ज को सप्लाई किया, ये चार्ज कितना आपने दिया, इट इज़ क्यू, यहाँ पर क्या रिएक्शन के कारण निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, फिर इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, और फाइनली क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, क्लियर। तो चलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, इसका एरिया ऑफ प्लेट ए है, और इस बीच में चलिए टी थिकनेस का, कि ये टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, क्लियर। तो जब आपने चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस्ड होगा, कि ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, चलिए यहाँ पर ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस्ड हुआ, ए नॉट। बाकी आप ये भी जानते हैं कि ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवन के कारण इसके एक इंड पर पॉजिटिव और दूसरे इंड पर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, जिसे आप रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। तो चलिए यहाँ पर ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप किया, इट इज ई। चलिए फिगर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने दो प्लेट लिया कंडक्टर का, दो कंडक्टिंग प्लेट है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिया, इंडक्शन के कारण ये नेगेटिव इंड्यूस्ड हुआ, फिर इंडक्शन के कारण पॉजिटिव हुआ, फिर हमने अर्थ कर दिया। जो ही आप अर्थ किए थे ये क्या बन गया, नेगेटिव प्लेट बन गया। तो ये नेगेटिव प्लेट बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, आरोपित इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नॉट। जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर प्लेस करते हैं तो ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण इसके एक इंड पर नेगेटिव दूसरे इंड पर पॉजिटिव, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कितना हो गया, ई।
फिनिश। तो चलिए इसी तरीके से सारा जितने भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, सारे को आप मान लें टिले क्यू। क्यू क्या है, पीछे आप लिखे हुए हैं, क्लियर। चार्ज ऑफ कैपेसिटर ना, इसके बाद ये था आपका एरिया ऑफ कैपेसिटर, डी क्या था डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, प्लीज राइट। इतना आप जरूर फील कर सकते हो और आप फील कर लेंगे, क्लियर। आप जब अपना नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स में आप लिखेंगे क्यू क्या है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर संधारित्र का आवेश, ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जो पीछे भी हम लोग लिखे हुए हैं सेम टू सेम ना। इसके बाद आप देखें यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा हम लोग माने हुए हैं, तो ये यहाँ पर ई नॉट, ई नॉट क्या था आपका इंड्यूस्ड, ई नॉट क्या है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आरोपित कि आरोपित विद्युत क्षेत्र, क्लियर ना। देखें यहाँ पर ई, ई को हम लोग क्या माने रिड्यूस्ड के रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो ये आपका हो गया रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब घटा हुआ विद्युत क्षेत्र, क्लियर। तो ये आपका निकल गया घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। और टी क्या है आपका, टी आपका है थिकनेस, थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मतलब विद्युत रोधी की, विद्युत के विद्युत रोधी की मोटाई, क्लियर। फिर अगर आप सोचें तो फिर तो हमें भी ही निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि आखिर इस दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, आप जानते हो E into D। तो चलिए यहाँ पर निकालिए आप, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, कि प्लेट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये आपका हो गया प्लेट के बीच, प्लेट के बीच विभवांतर, तो प्लेट के बीच विभवांतर भी, बीच का तो क्या होता है E into D। अब आप गौर से देखो यहां से कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और थिकनेस कितना है, थिकनेस आपका टी है, क्लियर। तो इसे तो हम लोग लिख सकते हैं E into T, E into D का मतलब E into distance। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E हुआ और थिकनेस कितना है, टी है, तो E into T प्लस और भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर देखो आप ई नॉट, तो ई नॉट कहाँ कहाँ पर है, ये जो आपका गैप है इसमें है और ये जो गैप है इसमें है, तो ये गैप है कितना, टोटल डिस्टेंस है डी, इसमें से टी निकल गया तो बचा कितना, तो ये आपको बच गया ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्लियर। तो ये यहाँ पर निकल गया ई नॉट डी माइनस टी। एक चीज हम लोग पढ़े थे आपका, दिस इज डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या था आपका, तो ये था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। यहाँ से अगर हम E का वैल्यू लें तो देखें E का वैल्यू क्या आ रहा है, E नॉट बाई के, चलिए पुट कीजिए, तो ये आपको निकल गया E नॉट बाई के प्लस E नॉट डी माइनस टी, क्लियर। E नॉट कॉमन निकाल लीजिए तो ये आपका बन गया दिस इज T, तो ये आपको बच जाएगा टी बाई के प्लस डी माइनस टी, डी माइनस टी, क्लियर। पीछे का अगर आप याद करें तो ये ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू कितना निकला था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इस वैल्यू को पुट कीजिए, तो जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और ये आपको निकल गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, क्लियर, ओके। तो चलिए प्लीज यहाँ तक राइट करें, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रब करना पड़ेगा। चलिए ओके कंप्लीट, तो चलिए हम रब करते हैं इसको।
चलिए ओके। तो यहाँ पर आपने भी बराबर निकाल लिया और भी बराबर कितना आया आपको, तो ये आपको भी इज इक्वल टू आ गया कि दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। चलिए अब हमको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस सी बराबर निकाल लीजिए। तो सी बराबर क्या होता है, तो सी बराबर आपको होता है क्यू बाय भी, क्लियर। चलिए क्यू का वैल्यू पुट करें, तो ये आपका क्यू, तो ये क्यू हो गया, भी का वैल्यू आपका है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, अब प्लस क्या होता है, प्लस टी बाई के, प्लस टी बाय के, क्लियर। चलिए क्यू क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर, तो ये आपका ऊपर चला गया, और आप देखो यहाँ से तो डी माइनस टी अब प्लस क्या होता है, टी बाय के। तो इस तरीके से आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, कि जब आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब देखो डालने से अंतर क्या पड़ा, अंतर ये पड़ा कि यहाँ पर डी माइनस टी हो रहा है और टी प्लस टी बाय के हो रहा है। तो फाइनली ये जो नीचे की क्वांटिटी है, तो नीचे के क्वांटिटी घट जाएगी, और नीचे की क्वांटिटी अगर घटती है और इसमें आप डिवाइड करोगे तो फाइनली कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, क्लियर। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। चलिए तो नाउ अब आप सोचो एक चीज़ कि अगर हम इस गैप को पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दें तो क्या होगा, पूरा गैप भरने का मतलब, तो पूरा गैप भरने का मतलब ये जो टी है थिकनेस, ये थिकनेस किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर हो जाए, तो पूरा फिल हो जाएगा, क्लियर। तो वही ये कहता है कि अगर इफ अगर आप टी इक्वल टू डी कर दो, तो जब आप टी इक्वल टू डी करोगे तो देखो क्या होगा, ये सी आपका हुआ, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय कितना होगा, डी टी इक्वल टू डी, तो डी माइनस डी अब प्लस क्या हो जाएगा, डी बाय के, ये डी कैंसिल हो गया, ये के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या हो जाएगा, डी, जो आप डायरेक्ट पहले निकाले थे कि अगर पूरे का मीडियम हम चेंज कर दें, तो पूरे का मीडियम अगर हम चेंज करते थे तो मेरा कैपेसिटेंस क्या होता है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, क्लियर। तो चलिए आप यहां तक राइट करें प्लीज। क्लियर, तो चलिए प्लीज इसको हम रब करें, तो चलिए हम इधर रब करते हैं पहले, तो ये आपका हमने रब किया। अब चलो आखिर आपने जब डाइलेक्ट्रिक को डाला तो कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा, तो पहला इफेक्ट तो आप देख लिए, पहला इफेक्ट क्या हुआ कि आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। तो वही ये लिखता है कि अगर आप इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, कहने का मतलब है कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करिए तो क्या क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ था आपका, तो सी क्या हुआ, सी आपका बढ़ती है, मतलब सी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाय वी। तो उस स्थिति में आपका पोटेंशियल मतलब भी क्या होता है, तो भी घट जाता है, भी आपका घटता है, तो भी क्या होगा, तो भी आपका घट जाता है। ना अगर थर्ड का बात करें तो चार्ज क्या होती है, क्यू, तो क्यू आपका क्यू रिमेंस कांस्टेंट, मतलब क्यू स्थिर रहती है, क्यू स्थिर रहती है। और फाइनली आप देखेंगे कि एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं,
तो चूंकि एनर्जी का फार्मूला अभी आप नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या होता है कि हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, आगे हम प्रूफ भी करेंगे इसको। तो फाइनली यू भी आपका क्या होता है, घटती है। तो यू क्या होगा, यू भी घट जाती है। तो यू घटती है क्योंकि यू यू इजकल टू, आपको आगे हम लोग प्रूफ करेंगे, यू इजकल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए इसे भी आप कंप्लीट करें, अपने नोट्स में राइट करें, फिर हम थोड़ा इंक डालते हैं, आप तब तक लिखें। क्लियर? ओके, कंप्लीट, रब कर दें। चलिए इसको रब कर देते हैं। ना देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका आता है, आपने दो चीज देखा कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर कितनी होती है, मतलब एयर मतलब हवा में समानांतर पट संधारित्र की धारिता। फिर आपने देखा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक, मतलब विद्युत रोधी के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता कैपेसिटेंस। नेक्स्ट एक टॉपिक और हम लोग देखते हैं, विथ कंडक्टिंग स्लैब, विथ कंडक्टिंग स्लैब, तो कैपेसिटेंस ऑफ कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब, विथ कंडक्टिंग स्लैब। क्लियर? कंडक्टिंग स्लैब का मतलब होता है चालकीय गुटका, मतलब चालक का बना होता है। तो चलिए कि चालकीय, चालकीय गुटका, चालकीय गुटका के साथ समानांतर, समानांतर पट संधारित्र की, समानांतर पट संधारित्र की धारिता। क्लियर? तो चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखें आप कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सारा कहानी वैसे ही चलेगा, आपने चार्ज क्यू दिया। क्लियर? इंडक्शन के कारण इसके अंदर वाले सतह पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, फिर आउटर सतह पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और फाइनली क्या करेंगे, तो फाइनली इसे हम अर्थ कर देते हैं। और जब आप इसे अर्थ करेंगे तो अर्थ करने के बाद यहाँ पर एक हम कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरीके से हम एक कंडक्टर कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिए। इस स्लैब का थिकनेस कितना है, तो चलिए इस स्लैब का थिकनेस है आपको टी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, तो चलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, कितना हुआ था, ई नॉट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो आप जानते हो तो किसी भी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये यहाँ पर हमें निकल जाएगा E इज इक्वल टू जीरो, E इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए मानना तो उसी तरीके से है, जितना चीज़ आप माने हुए हैं वो सारा आप मान ही लोगे, Q A, ये क्या हुआ D, Q A D, ये यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है D। क्लियर? तो ये D भी हमने मान लिया। नाउ यहाँ पर E नॉट क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और फाइनली आप देख रहे हो ई क्या है आपका, तो ई इज इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो कि दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच का विभवांतर, तो प्लेट्स
के बीच, बीच विभवांतर। तो चलिए इस प्लेट्स के बीच विभवांतर कितनी होगी, तो ये आपका विभवांतर हुआ भी, बीच का टू क्या होता है E इंटू डी, यहाँ से देखें E इंटू टी, तो ये आपका निकल गया E इंटू टी या प्लस क्या होगा E नॉट डी माइनस टी। उसी तरीके से कि जब आप इसने D में से T निकाल लिया तो बचा कितना D माइनस टी, तो ये हो गया D माइनस टी। अगेन आप देखो तो ये हो जाएगा जीरो माइनस टी, ये कितना है आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये आपने पहले निकाला है D माइनस टी, और फाइनली आपको भी बराबर मिल जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, डी माइनस टी। क्लियर? ना आप देखें यहाँ से अगर हम इसके बाद C निकालें तो C का फार्मूला हो गया क्यू बाय भी, C का फार्मूला हुआ क्यू बाय भी, तो ये आपका Q हो गया, V का वैल्यू आपने कितना निकाला, तो ये आपने निकाला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, डी माइनस टी। क्लियर? अब यहाँ से C बराबर आप लिखो तो C बराबर क्या निकल रहा है, तो ये C बराबर आपको निकल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या हो जाएगा डी माइनस टी। तो चलिए फाइनली तो कैपेसिटेंस यहाँ भी बढ़ ही रही है, क्योंकि नीचे की क्वांटिटी अगर घटेगी और उसे आप डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो न्यूमिनेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो यहाँ भी कैपेसिटेंस बढ़ ही रही है। क्लियर? तो कंडक्टिंग स्लैब के साथ जब हम कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो ये एक्सप्रेशन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। क्लियर? तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। फिनिश? नाउ अगेन यहाँ भी आप उसी तरीके से सोचें कि अगर हम इसे पूरा कंडक्टर से भर दें, तो अगर आप पूरा कंडक्टर से भरते हैं तो ये टी किसके बराबर हो जाता है, तो टी आपका डी के बराबर हो जाता है, टी आपका डी के बराबर हो जाता है। देखें कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो ये कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए तो डी माइनस टी, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया आपको, टी इज इक्वल टू आपको हो गया डी, डी माइनस डी इट इज इक्वल टू जीरो, और किसी भी क्वांटिटी में अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, तो रिजल्ट आपका हो जाता है इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब हुआ बहुत बहुत वेरी वेरी गुड छोटा क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस कि अगर किसी पैरल प्लेट कैपेसिटर के बीच पूरी तरीके से कंडक्टर को भर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, उसका कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाता है, उसका कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ को भी अच्छी तरीके से आप समझे होंगे, इसे भी आप अच्छी तरीके से पकड़ में आ गया होगा, क्योंकि इसीलिए यही सोच के हम एक दिन तीनों कैपेसिटर को पढ़ाने का सोचे थे कि नहीं, जब हम लगातार एयर में निकालेंगे, फिर डाइलेक्ट्रिक में निकालेंगे, फिर कंडक्टर में निकालेंगे, तो इस तरीके से जब हम एक क्लास में ये सारा चीज़ आपके सामने देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो चलिए प्लीज आप इसे राइट करें क्विक। क्लियर? कंप्लीट हो गया होगा, हो गया? चलिए चलिए ओके। तो चलिए आज के बारे में अगर आप सोचें कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ आपने पढ़ा, कि क्या क्या चीज़ हम अच्छा अच्छा चीज़ देखें, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप सोचें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, तो सी इज इक्वल टू आपने निकाला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो इसे आप ए ले लिए, और जब आपने इसे मीडियम में निकाला तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, फिर हमने विथ डाइलेक्ट्रिक के साथ निकाला तो डायरेक्ट ये भी आपने निकाला था सी एम इजकल टू क्या होता है के इंटू सी ए। क्लियर? विथ डाइलेक्ट्रिक, तो जब हम लोग विथ डाइलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत रोधी के साथ,
तो जब हम विद्युत रोधी के साथ कैपेसिटेंस निकाले तो वैल्यू क्या आई? एप्सिलेंस नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस टी बाई के, क्लियर? नाउ यहाँ पर भी आपने जब टी इजकल टू डी कर दिया तो क्या आ गया था? सी इजकल टू के एप्सिलेंस नॉट ए बाई डी। जब आपने विथ कंडक्टिंग निकाला कि विथ कंडक्टिंग, तो विथ कंडक्टिंग स्लैब, तो जब आपने कंडक्टिंग स्लैब के लिए निकाला तो ये आपने निकाल दिया C इजकल टू एप्सिलेंस नॉट ए बाय क्या होता है D माइनस टी, और इसमें भी जब आपने T इजकल टू D कर दिया तो C कितना हो गया, इट इज इन्फिनिटी। तो चलिए ये सारे चीज इतने को आज हमने अच्छी तरीके से सीखा, अच्छे तरीके से पढ़ा। इसके नेक्स्ट में और कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, क्लियर? और इसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए कराएंगे, क्योंकि हम पहले भी आपसे बात किए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये आपका अपने सिलेबस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कैपेसिटर है। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी कैपेसिटर से पूछे जाते हैं, क्लियर? बाकी आगे जो दो कैपेसिटर हमें पढ़ने हैं तो उस कैपेसिटर से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन इसलिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक एक पार्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्लियर? तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, और हर एक क्लास की तरह जैसे हम आपको बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई नए भी देख रहे हैं तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।